गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर इन सोशल स्टडी, दैट इज द हिस्ट्री पार्ट, लेसन 3. इन हिस्ट्री यू हैव ऑलरेडी रेड द टू चैप्टर्स. दिस इज द थर्ड चैप्टर, रूरल लाइफ एंड सोशल सोसाइटीज. रूरल लाइफ, गांव की लाइफ, जिंदगी, एंड सोसाइटी, समाज. इसमें आप जानेंगे एग्रेरियन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट की एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित क्या पॉलिसी थी, और ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू लगान फार्मिंग सिस्टम, लगान कैसे लेते थे, लैंड रेवेन्यू. इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज. ब्रिटिश ने जो रेवेन्यू पॉलिसी मतलब जो लगान अपने धन को कोष को बढ़ाने के लिए जो टैक्स लगाए, उसका क्या इफेक्ट रहा. ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप्स, कॉमर्शियल क्रॉप की ग्रोथ के लिए उन्होंने क्या किया. तो इसमें आपने पढ़ा है कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल और बिहार तथा उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अपना कब्जा कर लिया, मुगल एम्परर को हटा दिया. इस तरह से इस टेरिटरी का मालिक जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई. अब इसमें जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई तो एग्रेरियन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कृषि नीति में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कृषि नीति क्या थी. इन्होंने सोचा कि इंडिया की सबसे मेन यहाँ का इनकम जो है दैट इज द एग्रीकल्चर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि इनसे किसानों से टैक्स लिया जाए जो जमीन पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसका लैंड रेवेन्यू इनसे लिया जाए, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि उसके पास पैसा हो जिससे वो गुड्स खरीद सके और गुड्स को इम्पोर्ट कर सके, अपनी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उसको मीट आउट कर सके, और जो न्यूमरस लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनकी प्रतिपूर्ति कर सके. इसलिए उन्हें पैसा चाहिए था, रेवेन्यू चाहिए था इंडियन फार्मर के द्वारा जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया है. तो इस तरह से ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने किसानों से टैक्स लेना शुरू किया. और विलेजर्स को बोला कि आप अपने जो उत्पाद हैं वो गवर्नमेंट को ही बेचेंगे. तो उनके द्वारा जो चीज़ें पैदा की जाती थी वो लो प्राइस पर ये गवर्नमेंट को बेचना पड़ता था. दे वेयर फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द गवर्नमेंट एट लो प्राइस. इस तरह से 1770 में क्या हुआ, जो वो पैदा कर रहे हैं गवर्नमेंट उसको ले रही है. इससे क्या हुआ कि अकाल, फेमीन, अकाल आया, भुखमरी आई, और लगभग एक तिहाई जनता, बंगाल की पॉपुलेशन की एक तिहाई जनता मर गई.
भूखमरी के कारण, टेरिबल भयानक अकाल जिसमें भोजन नहीं मिलता, खाने को नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो ये स्थिति अंग्रेजों ने कर दी थी। उनके द्वारा जो पैदा होता था वो ले लेते थे, उसको बाहर भेजते थे और वो जो है भूखों मर गए। देखिए यहाँ पर उसी समय का ये चित्र भी है। अब आगे इन्होंने गवर्नमेंट सोचा कि रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम लागू किया जाए। हम रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करें, किसान हैं और इनसे हम रेवेन्यू कैसे लें। तीनों ने पहले तो रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम बनाने की सोची और इन्होंने सोचा कि हम बीडर्स, हाईएस्ट बीडर, मतलब कुछ ऐसे लोगों को हम बोली लगवाएं कि ये कितना पैसा दे सकते हैं। तो बीडर्स मतलब बोली लगाने वाले ठेके में, तो उन्होंने गांव गांव जो है ये ठेके में दे दिया और जो लगान थी, जो लैंड रेवेन्यू था, लैंड जो जोते थे उसका जो किराया था वो ज़्यादा था। तो ये जो बोली लगाए थे ये सब भी वो पैसा रेगुलर उनको नहीं दे पाए। तब इन्होंने सिस्टम फिर बदला, ये वाला सिस्टम ठीक नहीं है बोली लगाने वाला, अब जो है कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो परमानेंट हो। तो परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने किया लैंड रेवेन्यू के लिए और इसमें इन्होंने पहला सिस्टम लाया जमींदार, जमींदार इन्होंने कुछ जमींदारी सिस्टम ये लागू हुआ बाय बंगाल में इन 1793 में। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस इन्होंने लागू किया जमींदारी सिस्टम। तो लैंड की ओनरशिप और राइट जमींदार की होती थी और जमींदारों को ओनर माना जाता था और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था चलाने की थी, तो जमींदार बने रहेंगे। और जमींदारों से अंग्रेजों को पैसा मिलता रहेगा, लैंड रेवेन्यू मिलता रहेगा। तो जमींदारों ने टैक्स तो वसूला लेकिन अंग्रेजों की सोच थी कि जमींदार जमीन की भी डेवलपमेंट करेगा जिससे पैदावार बढ़े और टैक्स भी देगा। तो जमींदार पर टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था इसलिए वो लैंड के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया और इस तरह से किसान से पैसा लेने में जमींदारों को बड़ी दिक्कत होने लगी और किसान भी लैंड को छोड़ने लगे कि ना हम जोतेंगे ना हमको हम टैक्स देंगे। इस तरह से जमींदार लोग भी काफ़ी सफ़र किए और जमींदारी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं रही। तो ये पहला जमींदारी सिस्टम था रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम में, फर्स्ट जमींदार। सेकंड सिस्टम शुरू किया फिर इन्होंने रुतवारी सिस्टम, रुतवारी सिस्टम। ये रुतवारी सिस्टम क्या होता है, रुतवारी सिस्टम इसमें अंग्रेजों ने जो ज़मीन हासिल की थी टीपू सुल्तान के साथ वार में, तो रुतवारी सिस्टम को लागू करने वाले गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल ने लागू किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर हम किसानों से डायरेक्ट टैक्स लें, उनसे सेटलमेंट कर लें कि तुम्हारा कितना खेत है और उसका कितना तुम्हें टैक्स देना होगा, ये सोचे जमींदार बीच से हट जाएगा तो डायरेक्ट हम किसान से बात करेंगे तो हमारी रेवेन्यू बढ़ेगी, किसान को भी रहेगा कि हमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू जमा करनी है, नहीं जमा करेंगे दे विल बी पनिश्ड। तो इस तरह से उनकी रेवेन्यू बढ़ी तो, लेकिन जो इन्होंने सर्वे किया जमीनों का उसमें गलतियां हुई, सर्वे गलत हुआ, जो उनका मूल्यांकन किया गया वो भी गलत था, इसलिए किसानों को
पैसा या टैक्स देने में दिक्कत होने लगी। उन्हें लोन लेना पड़ा, उधारी लेना पड़ा दूसरों से, और इस तरह से जो उधारी ले लिया वो उधारी वापस नहीं कर पाता था। तो दास्ता की प्रथा शुरू हो गई, गुलामी प्रथा, कि हमारा पैसा नहीं दो, दिए हो तो मेरा एक काम करो, मेरे गुलाम रहोगे। तो ये सेटलमेंट भी नहीं चल पाया, रोतवारी सिस्टम। अब आया नेक्स्ट थर्ड सिस्टम रॉयल्टी लेने का, दैट इज महलवारी सिस्टम, महलवारी सेटलमेंट। महलवारी, महल का मतलब होता है गांव या ग्रुप ऑफ विलेज। ये ग्रुप ऑफ विलेज की ज्वाइंट ओनरशिप इन्होंने तय कर दी, दो चार गांव को मिला करके, या बड़ा गांव है तो एक ही गांव का, उसमें ज्वाइंट ओनरशिप लगा दिया कि आपको ये ज़मीन का इतना टैक्स देना है गवर्नमेंट को पीरियडिकली, या गांव का है जो मुखिया गांव का होता है वो टैक्स देगा और सारी ज़मीन का मालिक वो रहेगा। तो इन्होंने सोचा कि इससे हमारा टैक्स जो है बढ़ेगा। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ भी वही सिस्टम हुआ जो सेटलमेंट हुआ, इसको सेंट्रल इंडिया में लागू किया गया था, महलवारी सिस्टम सेंट्रल इंडिया में। लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी जो जमीन का निरीक्षण करने वाली टीम थी उन्होंने भी गलतियाँ की, जमीन जोती बोई नहीं जा रही है, उस पर रेवेन्यू लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो लोगों को देने में दिक्कत हुई। तो ये भी सिस्टम नहीं सही रहा। अब नेक्स्ट आया कि तीनों सिस्टम नहीं चल पाए, रोतवारी भी नहीं चल पाया, महलवारी भी नहीं चल पाया, जमींदारी भी नहीं चल पाया। अब इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज, इसका क्या हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवे इंडिया से, जो हमने जीता है, जहाँ मैं राज कर रहा हूँ। किसान यहाँ के गरीब थे, कोई उनके लैंड की इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, खाद बीज भी जो है उनको कायदे से नहीं मिल रहा था। उन्हें ये कहा जा रहा था कि आप रेवेन्यू दो, वो बेचारे दे नहीं पा रहे थे। और बाद में हुआ क्या कि गवर्नमेंट अगर कोई रेवेन्यू नहीं दे पा रहा उसकी ज़मीन को दूसरे को दे दिया करती थी, बेच दिया करती थी कि मेरा इतना रेवेन्यू इसके पास बकाया है, ये ज़मीन दूसरे को आपको बेच दी जाती है। तो कुछ दिन में वो बेचने वाले भी नहीं ले रहे थे, भाई हम ज़मीन ले क्या करेंगे, फिर अंग्रेज आएगा हमसे टैक्स मांगेगा। तो ज़मीन के ग्राहक भी घटते चले गए। यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो ऑरेंज कलर का आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर महलवारी सेटलमेंट था, महलवारी सेटलमेंट। ये जो ब्लू कलर देख रहे हैं, कलकत्ता वगैरह जिसमें आता है, बिहार वगैरह, ये परमानेंट सेटलमेंट, ये जमींदारी वाला पीरियड था। रोतवारी सेटलमेंट यहाँ था साउथ इंडिया में, रोतवारी सेटलमेंट। तो इस तरह से इंडिया के तीन तरह के टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने के ये नियम बनाए गए थे, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में इन्होंने क्या किया, किसानों से कहा कि तुम लोग कॉमर्शियल क्रॉप, ग्रोथ ऑफ कॉमर्शियल क्रॉप, किसानों को कहा कि तुम जो है कॉमर्शियल क्रॉप ग्रो करो। कॉमर्शियल क्रॉप का मतलब है कि आप चाय, कॉफ़ी, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, रबड़, जूट, कॉटन, सिल्क, ओपियम, ये सब क्रॉप ग्रो करो और इनको प्लांटेशन भी करा देते थे। प्लांटर्स होते थे, बड़े बड़े
जो ठेकेदार होते हैं वो किसानों को फोर्स करते थे कि तुम ये फसल लगाओ, और उस फसल को गवर्नमेंट लेती थी एट लो प्राइस। फिर क्या दिक्कत हुई कि किसानों को पहले अपनी आवश्यकता अनुसार खेती करते थे, जो उन्हें ज़रूरत थी वो बोते थे, उन्हें बाजरा चाहिए बाजरा बोते थे, दाल चाहिए दाल बोते थे, चना बोते थे, चावल लगाते थे, सावा कोदो बोते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा तुम ये फसल पैदा करो और मुझे इस रेट में दो। अब बेचारे खाना कहाँ से खाएंगे, खाना कहाँ से आएगा, खाने के लिए उनको दूसरे गांवों पर डिपेंड करता था, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था, वो प्राप्त करने के लिए उसको पैसा चाहिए था, पैसा इनके पास उतना था नहीं, तो भुखमरी स्टार्वेशन आ गया, लोग मरने लगे, और इस तरह से उनका गुस्सा जो है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो है इनका गुस्सा पैदा हो गया जनता में। तो हमने आपको बताया कि लैंड रेवेन्यू के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या उपाय किए, तीन तरह के उपाय किए, तीनों आपको हमने बता दिया, जमींदारी सिस्टम, रुतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम। लेकिन तीनों सिस्टम में किसान के ऊपर ही सारा दबाव पड़ा। फिर कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने की बात आई, इसको इसमें भी किसान फेल हो गए। तो ये चार बिंदु आपको क्लियर हो गया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की रही, रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम क्या रहा तीन तरह का, और ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज इफेक्ट क्या रहा, उसका सफल नहीं हुआ ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप। सोचा कि कमर्शियल क्रॉप ग्रो करें, चाय कॉफ़ी ये सब अफीम, उसमें भी सफल नहीं रहे। तो यहाँ तक आपको हमने पढ़ा दिया है, दो सिस्टम रह गया है, द इंडिगो रेबेलियन एंड केस स्टडी, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।